नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता पोरवाल। आज मैं आप लोगों के लिए पनीर की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि फुल्ली फ्लेवर्ड है। इस इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। मैंने अपनी सारी पनीर से बनने वाली डिशेस का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग उनको भी जरूर फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले फूड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए फटाफट से लहसुनी पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। लहसुनी पालक पनीर बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम के करीब पालक ली है। मैंने पालक को 2-3 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। चलिए इनको बॉइल कर लेते हैं। बॉइल करने के लिए मैं एक कढ़ाई में 1 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें पालक के पत्ते डाल देती हूँ। पालक को बॉइल करते समय हम 2 हरी मिर्च डाल देते हैं। इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से बॉइल करेंगे। ये देखिए, हमारी पालक बहुत अच्छी तरीके से बॉइल हो चुकी है। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और इस पालक को ठंडे पानी में बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं बॉइल की हुई पालक को ठंडे पानी में डाल देती हूँ। ठंडे पानी में डालने से क्या होता है कि हमारी पालक के कलर चेंज नहीं होता है। चलिए अब हम इस पालक की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। मैंने जो पालक की प्यूरी तैयार की है वो मैं 2 चम्मच एक कटोरी में निकाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच एक कटोरी में निकाल लिया है। अब मैं इसी मिक्सी की जार में 3 आइस क्यूब डाल देती हूँ और इसकी मैं अच्छा सा एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 3 आइस क्यूब डाले थे और ये देखिए, मैंने एक फाइन प्यूरी तैयार कर लिया। चलिए इसको एक कटोरी में बाहर निकाल लेते हैं। मैंने पालक प्यूरी तो बना ली है, चलिए अब फटाफट से बनाना शुरू कर देते हैं। मैं कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल गर्म करने के लिए डाल रही हूँ। मैंने लहसुनी पालक पनीर बनाने के लिए स्पेशली सरसों का तेल यूज किया हुआ है और ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ, और क्योंकि हम लहसुनी पालक पनीर बना रहे हैं तो इसमें खूब सारा लहसुन जाएगा। और अच्छे से भून लेते हैं। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज दिया हुआ था, वो मैं इसको सौते कर लेती हूँ। प्याज में कलर आ चुका है। अब मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। अब मैं इसमें 2 स्पून बेसन डाल देती हूँ, जिससे हमारे लहसुनी पालक पनीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और एक थिकनेस आएगी। और मैं बेसन को भी अच्छे से भून लेती हूँ। बेसन अच्छी तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें क्रश की हुई पालक डाल देती हूँ, जो मैंने 2 चम्मच निकाली थी। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। आप लोग भी इस तरीके से लहसुनी पालक पनीर बनाएंगे तो आप लोगों को भी खाने में मजा आ जाएगा। और इसको अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे और अच्छी तरीके से इसको भून भी लेंगे। हमारे मसाले से ऑयल रिलीज हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब मैं इसमें पालक की प्यूरी डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग
नमक डाल देती हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पालक की ग्रेवी में जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है। देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर है, एक नेचुरल कलर आया है। इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं, जिससे हमारे पालक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं ग्रेवी की थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। आप लोग पानी को कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। अब हमारी ग्रेवी बनकर के तैयार है। अब हम लास्ट में पनीर के पीसेस डाल देते हैं, इसको स्लोली स्लोली मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसको 4-5 मिनट के लिए 1 लीटर की सहायता से आधा इसको कवर करके रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। वाव, हमारे लहसुनी पालक पनीर बनकर के तैयार है और हमारे लहसुनी पालक पनीर तो देखने में बहुत ही यम यम लग रहे हैं। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं और साथ में इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। और कटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ और इसमें मैं लहसुनी पालक में, ये लीजिए हमारा तड़का तैयार है। इस प्रकार हमारी टेस्टी टेस्टी लहसुनी पालक पनीर बनकर के तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को अपने अपने घरों में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पोरवाल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।